देखें कि शहनाइयाँ बज रही हैं और बिलावल हाउस में बहुत बड़ी एक खुशी है और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जरदारी साहब की बड़ी बेटी बख्तावर भुट्टो जरदारी साहिबा की आज शादी है। आज हम सब पार्टी कारकुन बहुत खुश हैं और बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करेंगे पूरे खानदान को, बिलखसूस सासपली जरदारी साहब, फरियाल डालपुर साहिबा, नेत्रा पिछड़ू साहिबा और बख्तावर बीबी, आसिफा बीबी और अफकोर्स हमारे चैनल बिला। शादी पे मैं आया था और उसके बाद इस खानवादे को आज खुशी नसीब हुई है माशाल्लाह, ये बहुत ही बाबरकत दिन है। काश रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो जिंदा होती तो वो आज खुशी से ना पूछती। आज मुझे यकीन है कि वो ऊपर से देख रही हैं और अल्लाह करे कि उनकी बेटी बख्तावर और महमूद चौधरी की जोड़ी जो है सदा सलामत रहे और फले फूले और अल्लाह ताला ये जरदारी साहब के लिए भी जो है उनकी सेहत जो है उनको सेहतमंद करे और उनके लिए भी आसानियां पैदा करे और अल्लाह ताला इस मुल्क को भी जो है खुशहाली की तरफ गामजन करे और इस मुल्क को कोरोना की वबा से भी अल्लाह ताला छुटकारा दिलाए। भाइयों की दुआएं होती हैं अपनी बहनों के लिए कि उनका घर आबाद रहे, खुश रहें, मुस्तकबिल के लिए खुशियों की तमन्ना है और बिलावल हाउस में बड़े अरसे के बाद खुशियाँ आई हैं और इंशाल्लाह दुआ यह है कि ये खुशियाँ दायम कायम रहें बिलावल हाउस। देखिए बहुत बड़ी खुशी का मकाम है आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्करों के लिए, लीडरों के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़ानदान के लिए कि बहुत अरसे के बाद जो है आज बिलावल हाउस में खुशियाँ मनाई जा रही हैं। अंधेरे के बाद एक उजाला हुआ है और मेरी दुआएं हैं हर पीपल्स पार्टी के वर्कर की दुआएं कि बख्तावर को खुदा अपने घर में पकड़ रहे हैं। बेटी की शादी देख रही है, हमारी भी बेटी है, इंशाल्लाह उनकी जोड़ी जो है सलामत रहे और खुशियाँ जो हैं जितनी खुशियाँ हैं इनको। अगर ये कल ऑर्डिनेंस ले आएंगे कि पाकिस्तान में दो चीफ जस्टिस होंगे तो क्या दो चीफ जस्टिस होंगे? नो, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टू बी रिस्पेक्टेड और इट हैज़ टू बी इन फैक्ट ऑब्जर्व करना पड़ेगा हमें। मेरा ख्याल है कि सिर्फ अपने मकसद के लिए या कुछ डर की वजह से या खौफ की वजह से आप कभी कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं करते। हमारी पार्टी का बड़ा सीधा इस पर एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा भी अपना बिल्कुल पार्टी के साथ यही व्यू है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया उसको फॉलो करो। अगर शौक है तो जब टर्म शुरू होगी तो फिर ले आओ जो भी कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस आपने लानी है, लेकिन हर वक्त आप वो चीज़ें ना करो जो हमारे लिए नुकसान। सरदारी साहब तहरीक आदम एतमाद के लिए मेरा ख्याल है अब बहुत जल्द शुरू होंगी, पहले तो ये सेनेट का इलेक्शन हो जाए और सेनेट के इलेक्शन से पहले भी कुछ हो सकता है। ये ज़ाहिर है ये डिपेंड करता है लीडरशिप पे, हमारी लीडरशिप पे, पीडीएम की पूरी लीडरशिप पे। अब देखते हैं कि हम कैसे आगे बढ़ते हैं इसमें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हुकूमत काफ़ी नर्वस है और उसकी नर्वसनेस आपको साफ नज़र आती है। जिस अंदाज से जिस चीज़ के लिए आए थे वो कह रहे थे करप्शन ख़त्म करेंगे, चार पॉइंट ऊपर हो गई है, अल्लाह रहम करे, महंगाई ख़त्म करेंगे, वो तो मैं 100% नीचे। सारी तहरीके एतमाद में आप की प्लेयर हैं, पीपल्स पार्टी के सीएसी के मेंबर भी हैं, क्या टास्क है, क्या लगता है कि तहरीके एतमाद? देखिए हमारी तो पार्टी में एक डिस्कशन होती है, बड़ी डिटेल्ड फ्रैंक डिस्कशन होती है सीएसी में, उसके बाद जो फैसला लीडरशिप करती है हम उसे एक्सेप्ट करते हैं और हमें पूरा इत्माद है बिलावल भुट्टो जरदारी पे भी और आसिफ अली जरदारी साहब पे भी। जब हम डिस्कस करेंगे जो फैसला होगा वो बड़े खुश रूपित और अच्छे अंदाज से आगे लेके चलेंगे। आपको पता है जब 5 साल हमारी हुकूमत थी किस तरह चीज़ें चलती थी। इमरान खान को ये खौफ है कि शॉर्ट हैंड से जो है उनकी हुकूमत, जी इमरान खान को ये खौफ है कि शॉर्ट हैंड से उनकी हुकूमत सेनेट की हैसियत नहीं आ सकती, इसलिए तरमीम कर दें। मैं खैर उनके दिल में क्या है वो खुद ही जानते हैं, लेकिन जो हालात है वाकयात और आप भी बात ऐसी कर रहे हैं तो मुस्कुरा के शो कर रहे हैं कि शायद उनको खौफ है कोई, और मेरा ख्याल उनकी मुस्कुराहट आप तक पहुँच। खरीदो फरोख्त भी वाकई शुरू हो चुकी है यार, मैं ये नहीं कह सकता रेट क्या चल रहा है, मैं मुझे नहीं पता, मैं इस रेट में शामिल नहीं हूँ, अगर ये रेट का वक्त आया तो खुदा कह दूंगा पॉलिटिक्स को, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये हमेशा होता रहा और याद आ रही क्या अच्छा होता आज वो जिंदा होती और आज खुशी के लम्हों में याद कर लम्हों में अपनी बेटी को खुद अलविदा कह दी, लेकिन जालमों ने हमसे उन्हें छीन लिया। मैं दुआ करता हूँ उन्हें द्वार रहमत में जगह दे। बिलावल साहब जिस अंदाज से जरदारी साहब आज अकेले फील कर रहे होंगे, हम भी फील कर रहे हैं और बख्तावर भी डेफिनेटली उनको मिस कर रही हैं और हम सब की पूरे पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी की पूरी फैमिली की हमारी सब की दुआएं उनके साथ हैं और आई एम श्योर कि वर्ष से मोहतरमा
ان کو دیکھ رہی ہوں گی اور میری یہ دعا ہے کہ کپل اور لمبی زندگی دے, خوشیاں دے اور ہمیں بھی صبر دے, اور آنے والے وقت میں اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ, کسی پارٹی کے ساتھ یا کسی گھر کے ساتھ ایسا کچھ آنا ہو جو ہمارے ساتھ ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ. اور میں سب سے دعا کرنے کے لیے کہوں گا ان کی لمبی زندگی کے لیے, ان کی خوشی کی زندگی کے لیے, بختاور صاحبہ کے لیے, اور اللہ کرے ہم سب پہ اللہ میاں رحم کرے اور پاکستان پہ بھی رحم کرے, جو حالات پاکستان کے جا رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ. شکریہ ہم آج بڑی خوشی کا دن ہے اور لیکن خوشی تھوڑی سی ادھوری ہے, یہ محترمہ نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ محترمہ ان تمام فنکشنز کو دیکھ رہی ہوں. بہت مبارک ہو ناصر زرداری صاحب کو, چیئرمین بلاول صاحب کو, آج خوشیاں بڑے عرصے کے بعد لوٹ کے آئی ہیں. خوشی کی بات ہے, بی بی بختاور کی آج شادی ہو رہی ہے, ہماری شہید رانی کی وہ بیٹی ہے, مگر یقیناً مجھے احساس ہے کہ وہ شہید اپنی ماں کو یاد کر کے ضرور وہ لمحے اداس کرتی ہوں گی. ہر بیٹی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس کی ماں کا ہاتھ جو ہے اس کے سر پہ رہے, اس کی دعاؤں سے وہ بدا کرے. بہت شکریہ. خوشی کا لمحہ آیا ہے اور آج بھی خوشی بھی ہے, دل بھاری بھی ہے سامنے سر کہ آج بی بی کی بیٹی کی شادی ہے اور آج بی بی بہت یاد آئی ہے. راج یقیناً وہ شہید ہے اور شہید زندہ ہوتے ہیں اور بی بی یہاں ہمیں دیکھ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اس بیٹی کو بہت ساری خوشیاں دے. اچھا بلاول صاحب نے جو کہا تھا وہ محترمہ بختاور بھٹو زرداری صاحبہ کے مبارکباد یوں تھا, ان کی فیملی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب, محترم آصف علی زرداری صاحب, ادی فریال چالپور صاحبہ بھی آصفا جے پانی سے فیملی پانی ضلع کی طرف الائی مبارکباد دیا. الائی عرصے خوشن بھرو موقع ہے بلاول ہاؤس میں بھٹو زرداری فیملی میں, اِسی الائی ایکسائٹڈ ہے سجے سندھ واسن جو ان دعاؤں آؤں پلی جو فیملی کی طرفا چھو تو ککری گراؤنڈ گراؤنڈ سے جی شادی تھی ہوئی تین چاچا حکم علی زرداری صاحب علی صاحب بلکہ